डॉक्टर्स जो है इस हॉस्पिटल में पदस्थापित है, करीब 42 डॉक्टर है और 42 में से 42 ही आज हड़ताल पे है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ आयुष डॉक्टर लगाए हैं, कुछ केयर्न इंडिया से मदद ली है और कुछ बीएसएफ से मदद ली है। तो ये डॉक्टर्स कितने और क्या ये पर्याप्त है जितनी जिला मुख्यालय पर भीड़ आती है? नहीं, पर्याप्त तो कैसे हो सकते, जब 42 पहले पोस्टेड थे वो भी पर्याप्त नहीं थे, तो ये 14 डॉक्टर तो कैसे पर्याप्त हो सकते हैं। लेकिन एक मैनेजमेंट किया है, व्यवस्था बनाई है, काफ़ी वार्ड भी जो है वो एम्प्टी खाली है, तो छुट्टी दे दी गई है या दूसरे अन्यत्र अस्पताल में भेजा गया? नहीं, तो आज के दिन में जो हमारे पास एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है, अगर विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है तो फिर इंडोर पेशेंट तो सीरियस होता है और उसको इलाज करने के लिए विशेषज्ञ ही चाहिए। तो इस कारण जो है जो छुट्टी होने लायक थे उनकी तो छुट्टी की है और जो सेटल है वो अभी भी वार्ड में है और बाकी जो सीरियस थे फिर उनको आगे रेफर किया है। सर, अगर 2-4 रोज में ये स्थिति संभलती नहीं है तो आगे काफ़ी चुनौतीपूर्ण कर रहे हैं? नहीं, यहाँ की जो वस्तु स्थिति यहाँ क्या पूरी स्टेट की जो भी है वो गवर्नमेंट को अवगत कराया जा रहा है और आगे गवर्नमेंट जो भी स्टेप लेगी उस हिसाब से चलेगा। मरीजों की अगर स्थिति की बात करें कि अगर 2-3 दिन 4 दिन ऐसा रहता है तो सर्दी तो उसकी बीमारी है, ये भी कभी कभी बिल्कुल मरीजों को परेशानी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं।